हेलो भाई क्लास, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ध्यान देंगे, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहता है कि कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ध्रुवीय रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्ट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वैसे पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होते हैं, ध्रुवीय रूप से आकर्षित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं पारा मैग्नेटिक, इस घटना को क्या बोलते हैं, अणुचुंबकत्व कहते हैं। ध्यान देंगे, जो हमारा पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा होता है, यानी कि इसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कभी पेयर में नहीं होता, यानी कि इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, यानी कि जोड़ा नहीं लगा रहता। जब जोड़ा नहीं लगा रहता मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। और ये हमेशा बात है कि अगर कोई सब्सटेंस अगर पारामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखने से पहले लिख लिया जाए, लिखोगे डोज types of substance which are weakly attracted put in the external मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉल्ड पूरा कर दिए तो आर कॉल्ड करते हैं, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्रोमियम दे सकते हैं, मैग्नीज दे सकते हैं, फेरस दे सकते हैं, फेरस प्लस टू दे सकते हैं, फेरस प्लस थ्री दे सकते हैं, ठीक है सी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो हमारे ये सब्सटेंस लिखे गए हैं इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए ये दुर्बल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, चिपकेंगे सटेंगे लेकिन बोड़ा थोड़ी थोड़े ज्यादा जल्दी से नहीं सकते। ठीक है, अब ध्यान देंगे हमारा जो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम का मतलब होता है बोर मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बी एम, बोर मैग्नेट। ठीक है, ये भी हमने बताया था कोई एक बी एम कितना होता है, याद रख लो एक बी एम कितना होता है, याद है नहीं याद रख लीजिए, एक बी एम बराबर होता है 9.27 गुण 10 के पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो n है या n क्या है, n बराबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसी से पता चलता है कि पारामैग्नेटिक है कि नहीं है। तो पारामैग्नेटिक में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी उनका पेयर नहीं लगता है, और पेयर जब नहीं लगता तो मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है मैग्नीज, मैग्नीज का बताया है कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस तो यहाँ पे लिखा ही है, लेकिन मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है, हो जाएगा 18 18 20 और 20 5 25। ठीक है, हम लोग कंपेरिजन कर लिए, कंपेरिजन करने के बाद बॉक्स में सजाना होता है, ये 4s2 है, s में आपको दो इलेक्ट्रॉन
और डी में आपको पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर की स्पिन तो नीचे की स्पिन, ऐसा दिखाया जाता है, एक दो तीन चार पांच, ये क्या हो गया, ये है आपको 4s, ये क्या आपको 3d। तो देखिए s वाला इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है लेकिन d वाला में क्या है, अनपेयर्ड पांच हुआ है, यानी कि पांच ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं लगा, पेयर नहीं लगा, तो इसी के चलते एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी अनपेयर्ड होते हैं। तो जब भी अनपेयर्ड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारा मैग्नेटिक। अगर इसका कोई कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए किसका, मैरिज का, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एन ग्रेव कितना भर गए पांच, एन ग्रेव कितना भर गए पांच भर दोगे, तो पांच प्लस टू और पांच सात और सात बचे पैंतीस, रूट रहना 35 bm इसका हो जाएगा, कितना रहता 35 bm हो जाता, पांच दो सात सात बचे पैंतीस। तो ये इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो बेस्ट अपना चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, मेरा को प्रेस करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।